तो यहां से लड़ेंगे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह विधायकी का चुनाव। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह एक नई पार्टी का गठन करने वाले हैं, यानी अपना खुद का पार्टी पवन सिंह बनाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के पार्टी का नाम हो सकता है SSP, यानी सर्व समाज पार्टी, सभी समाज को लेकर पवन सिंह चलने वाले हैं। लेकिन अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है पवन सिंह के पार्टी का नाम चेंज भी हो सकता है, क्योंकि इस नाम से ऑलरेडी एक पार्टी बनी हुई है नोएडा में। लेकिन कुछ भी हो, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का न्यू पार्टी बनने वाला है। और बताया भी जा रहा है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अपने पार्टी से कुछ कलाकार लोग को भी चुनाव लड़वाएंगे विधायकी का। और पवन सिंह का पहला मिशन है बिहार का कराकाट, यानी बिहार के कराकाट में टोटल 6 विधानसभा है और 6 विधानसभा सीट से पवन सिंह की पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। बताया जा रहा है कि गुंजन सिंह, रितेश पांडे, कल्लू को भी उतार सकते हैं पवन सिंह। और खबर ये भी है कि पवन सिंह खुद अपने भी विधायकी का चुनाव लड़ेंगे और अपने पत्नी को भी विधायकी का चुनाव लड़वाएंगे। और बात रही पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ कराकाट विधानसभा से या डेहरी विधानसभा से पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह विधायकी का चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि यही दोनों जगह पे पवन सिंह को बम्पर वोट मिला था लोकसभा चुनाव में। हाँ तो दोस्तों, रहा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह का अपडेट, आप सभी को कैसा लगा मैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।